हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिण प्रताप सिंह, आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है क्लास इलेवंथ के इंग्लिश सब्जेक्ट को स्टडी करेंगे और इंग्लिश में हम लोग सप्लीमेंट्री रीडर, जिसे स्नैपशॉट के नाम से जानते हैं, हम लोग उसके सेकंड लेसन को स्टडी करेंगे, जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। और इस सेकेंड लेसन का नाम है द एड्रेस और लिखा गया है मार्गा मिनको के द्वारा। तो आई फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग जो है इस लेसन के राइटर मार्गा मिनको के बारे में समझेंगे, इनके बारे में कुछ जानकारी लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। देखिए, यहां पर लिखा है कि अबाउट द ऑथर, लेखक के बारे में लिखा कि मार्गा मिनको वॉज बॉर्न ऑन 31 मार्च 1920। कह रहे कि मार्गा मिनको जो है 31 मार्च 1920 को पैदा हुई थी। ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कह रहा है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के समय, हिज होल फैमिली, उनका पूरा परिवार, वॉज डिपोर्टेड, वह निर्वासित हो गया था। निर्वासित मतलब निकाल दिया जाना, देश निकाला। शी वॉज एस्केप्ड, वह बच गई थी। हर फर्स्ट बुक वॉज पब्लिश्ड इन 1957। कह रहा है कि उनका जो प्रथम बुक था 1957 में पब्लिश हुआ था। उनका जो प्रथम बुक था 1957 में प्रकाशित हुआ था। शी वॉज अवार्डेड फॉर हर वर्क्स, कह रहा है कि उन्हें पुरस्कृत किया गया उनके कार्यों के लिए। शी वॉज मैरिड टू द पोएट बर्ट ऑटन, कह रहा है कि वह उनकी शी वॉज मैरिड, उनकी शादी हुई थी पोएट बर्ट ऑटन से। अब ये लेसन के बारे में भी समझते हैं, अबाउट द लेसन। किसने लिखा कि दी एड्रेस इज अ वेरी टचिंग स्टोरी ऑफ साइकोलॉजिकल इंटरेस्ट, कह रहा है कि जो एड्रेस यह स्टोरी है, कह रहा है इज अ वेरी टचिंग स्टोरी, यह बहुत मार्मिक कहानी है। किसकी? ऑफ साइकोलॉजिकल इंटरेस्ट की, कह रहा है कि मनोवैज्ञानिक रुचि की, यह साइकोलॉजिकल इंटरेस्ट की बहुत ही मार्मिक कहानी है। साइकोलॉजिकल इंटरेस्ट मतलब जो मानसिक व्यवहार को प्रदर्शित करता हो। इट एक्सप्लोर्स The working of a young mind in war times, कह रहा है कि explores, यह पड़ताल करता है, explore में पड़ताल करना। The working of a young mind in war time, कह रहा है कि युद्ध के समय एक युवा मस्तिष्क के कार्य का, कह रहा है यह युद्ध के समय एक युवा मस्तिष्क के कार्य की पड़ताल करता है। The narrator joins the second world war, कह रहा है कि जो narrator है, मतलब ये कहानी जो कह रहा है, कौन? मार्गा मिनको। जो नेटर है, कह रहे ज्वाइंस द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वह द्वितीय विश्व युद्ध को ज्वाइन करता है, द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित होता है। व्हेन हॉलैंड वाज फाइटिंग फॉर लिबरेशन, कह रहा है कि जब हॉलैंड जो था फाइटिंग, लड़ रहा था किसके लिए? लिबरेशन के लिए, मतलब स्वतंत्रता के लिए। जब हॉलैंड स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा था तो नेटर ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वह सम्मिलित हुआ। शी हैड ओनली हर मदर एट होम, कह रहा है कि घर पे केवल उसकी माँ थी, घर पे केवल उसकी माँ थी। दिस इज हाउ, कह रहे कि दिस इज हाउ वॉर लिव्स इट्स स्कॉर्स ऑन यंग माइंड, कह रहे कि इस तरह जो है वॉर, युद्ध जो है लिप्स छोड़ देता है, लिप्स छोड़ देता है, क्या छोड़ता है? इट्स स्कॉर्स, अपने घाव ऑन यंग माइंड, उस युवा मस्तिष्क पर, जिसका युद्ध जो है उस युवा मस्तिष्क पर अपने घाव छोड़ देता है। पढ़ने से टेक्स्ट वर्ड्स पहले जरा हम इसको भी पढ़ने, लिखा है बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले। देखिए, कह रहा है कि दिस शॉर्ट स्टोरी से पैरेंट अकाउंट ऑफ ए डॉटर, कह रहा है कि यह जो शॉर्ट स्टोरी है एक लड़की की माँ, कह रहा है कि मर्मभेदी कहानी है। हु गोस इन सर्च ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग्स, कह रहा है कि हु गोस, जो जाती है इन सर्च ऑफ, खोज में, ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग मीन्स है सामान, कह रहा है कि जो अपने माँ के सामान की खोज में जाती है आफ्टर द वॉर, युद्ध के बाद। कह रहा है कि यह एक लड़की के, यह एक लड़की की बहुत ही मार्मिक कहानी है, जो कि हॉलैंड में युद्ध के बाद अपने माँ की खोज में, अपने माँ के सामान की खोज में जाती है। कह रहा कि व्हेन शी फाइंड्स देम, जब वह उन्हें पाती है, द ऑब्जेक्ट इवोक मेमोरीज ऑफ हर अर्लियर लाइफ, तो जो 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 वस्तुएं होती हैं, मतलब उसकी माँ की जो वस्तुएं होती हैं, उसकी माँ संबंधी जो वस्तुएं होती हैं, कह रहा है कि इवोक मेमोरी ऑफ हर अर्लियर लाइफ, उसकी प्रारंभिक जीवन की स्मृति को ताजा कर देती है। हाउएवर शी डिसाइड्स टू लीव देम ऑल बिहाइंड एंड रिजॉल्व टू मूव ऑन, कह रहा है कि फिर भी जो है शी डिसाइड्स,
वह निर्णय करती है टू लीव देम ऑल, उन सभी वस्तुओं को छोड़ देने का, बिहाइंड अपने पीछे, एंड रिजॉल्व टू मूव ऑन, और जो है आगे बढ़ने का निर्णय करती है। मतलब अंत में जो है अपने मां के वस्तुओं को देखती है, इससे उसकी स्मृतियां ताजी होती है, फिर अंत में वह जो है उन वस्तुओं को छोड़ देने का निर्णय करती है। तो आई फ्रेंड्स, हम लोग जो है अब टेक्स्ट को पढ़ते हैं। देखिए, जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूं, ये राज्य प्रकाशन की बुक है, इसमें जो है इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी दिया है। तो आप सोच रहे हैं सर हिंदी ट्रांसलेशन दिया है तो फिर आप हिंदी एक्सप्लेन क्यों कर रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनको एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है और बहुत सारे ऐसी चीजें को समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस मिलेंगे आपको जहां पर उसका भावार्थ लिख गया होता है, लेकिन उन सब चीजों को समझना बहुत आवश्यक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। ये कहानी यहां से स्टार्ट होती है। लाइक डू यू स्टिल नो मी, आई आस्क, मैंने पूछा, करे कि आई आस्क, मैंने पूछा कि डू यू स्टिल नो मी, क्या मुझे आप अभी भी जानती हैं। दी ओमैन लुक्ड एट मी सर्चिंगली, करे कि उस औरत ने लुक्ड एट मी, मेरी तरफ देखा सर्चिंगली, तलाश भरी निगाहों से, या आप यहां पर ध्यानपूर्वक भी कर सकते हैं, औरत मेरी तरफ ध्यानपूर्वक देखा या मुझे तलाश भरी निगाहों से देखा। तलाश भरी निगाहों का मतलब यह है कि वो उसे देखकर जो है कुछ याद कर रही थी। कोई व्यक्ति आप से किसी से मिले हो, आपके सामने अचानक आ जाए तो आप याद करने लगते हैं, अचानक याद नहीं रहता, लेकिन आप थोड़ा उसको दिमाग में उसको रिवाइज करने लगते, नहीं कहीं पर मैंने इसको देखा है। तो इसी संदर्भ में यहां पर सर्चिंगली लगाया है। सी हैड ओपेंड द डोर अ चिंक, इसमें कि उसने दरवाजा थोड़ा सा खोल रखा था। अब यहां चिंक का मतलब दरार होता है, चिंक का मतलब दरार होता है, जिससे दरवाजा पूरा नहीं खुला था, बस हल्का सा एक दरार की तरह खुला हुआ था। ठीक है, चिंक में दरार होता है, तो इसका पूरा अर्थ होगा कि सी हैड ओपेंड द डोर अ चिंक, उसने दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप, क्या आई केम क्लोजर, क्लोज मीन्स नजदीक होता है, इसका ये कंपेरेटिव फॉर्म है ना, क्लोज क्लोजर इसका सेकंड, सॉरी ये इसका जो है ये कंपेरेटिव फॉर्म है। क्या आई केम क्लोजर, मैं और नजदीक आया, एंड स्टूड और खड़ा हो गया ऑन द स्टेप, सीढ़ियों पर। करेक्ट, नो आई डोंट नो यू, करे कि नहीं मैं तुम्हें नहीं जानती, वो औरत करी जहां पर वो लड़की गई थी उससे मिलने, तो औरत करी, नो आई डोंट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानती। आई मिसेस एस डॉटर, तो करे कि मैं मिसेस एस की लड़की हूं, यह एस जो है वो शॉर्ट नेम है, नाम का पहला अक्षर रखते हैं लोग, मिस्टर के, मिस्टर आर के, मिस्टर बी के, तो ऐसे। तो उसने कहा कि आई एम मिसेस एस डॉटर, मैं मिसेस एस की लड़की हूं। सी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दो सी वांटेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर, कह रहा कि सी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर, वह अपने हाथों से दरवाजे को पकड़े हुए थी, या होल्ड मीन्स पकड़ना होता है, होल्ड का ये सेकेंड फॉर्म है, पकड़े हुई थी एज दो मानो की, एज दो मीन्स मानो की सी वांटेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग फर्दर, ओपनिंग फर्दर मतलब और अधिक खोलना, कह रहा कि मानो की वह सी वांटेड टू प्रिवेंट, प्रिवेंट होता है रोकना, मानो कि वह इसे रोकना चाहती थी ओपनिंग एनी फर्दर, और अधिक खुलने से। इसमें कहना पूरा लाइन है कि वो उसने अपना हाथ दरवाजे पर रखा हुआ था और ऐसे लग रहा था कि जैसे वह जो है दरवाजे को और अधिक खोलने से रुकना चाहती थी, रोकना चाहती थी कि वो दरवाजा और अधिक न खुले। नेक्स्ट है, कह रहा है कि हर फेस गेव एब्सोल्यूटली नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन, कह रहा है कि उसके चेहरे ने, कह रहा है कि एब्सोल्यूटली नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन, साइन मीन्स होता है चिन्ह और रिकॉग्निशन मीन्स पहचान, उसके चेहरे ने पहचान का कोई भी चिन्ह प्रदर्शित नहीं किया। क्या कहने का मतलब यह है कि उसको देखकर नहीं लगता था कि वो मुझे पहचान रही है, इसको समझेगा सेंटेंस को। हर फेस गेव एब्सोल्यूटली नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन, उसके चेहरे ने पहचान का कोई भी चिन्ह नहीं दिया, मतलब सो देखकर नहीं लगता था कि वो मुझे पहचान रही हो। सी केप्ट स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस, करे कि सी केप्ट स्टेयरिंग, स्टेयरिंग मीन्स होता है घूरना या एकटक देखना, क्या होता है घूरना या एकटक देखना, करे कि वह मुझे एकटक देखती रही इन साइलेंस, मूक अवस्था में, मतलब बिना बोले चुपचाप वो मुझे एकटक देखती रही।
नेक्स्ट है कह रहा है कि परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन, शायद मैं गलती पर थी, कह रहा है शायद मैं गलती पर थी, आई थॉट मैंने सोचा, परहैप्स इट इज नॉट हर, शायद यह हुआ नहीं, कह मैंने सोचा कि शायद यह हुआ नहीं है, मतलब वह जिनके घर आई थी सोचा कि शायद ये वो औरत नहीं है। आई हैड सीन हर ओनली वंस, मैंने उन्हें केवल एक बार देखा था, फ्लिटिंगली उड़ती हुई नजरों से, फ्लिटिंगली उड़ती हुई नजरों का मतलब क्या है, जैसे हम चलते समय वो जनरली किसी चीज पर एक नजर डाल देते हैं, देखने के भी कई तरीके होते हैं, ध्यान से देखना, और ऐसे ही चलते समय से हम कभी बाजार या कहीं घर आते समय या कहीं जाते समय केवल जनरली किसी चीज को देखते, तो वही करे, फ्लिटिंगली मतलब वही है। आई हैड सीन हर ओनली वंस, मैंने केवल उन्हें एक बार देखा था, फ्लिटिंगली उड़ती हुई नजरों से, एंड दैट वॉज इयर्स एगो, और वह भी क्या, दैट वॉज इयर्स एगो, सालों पहले देखा था उनको, इसलिए जो है वह उसने स्वयं हो सकता है ये वो औरत ना हो। इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल, प्रोबेबल संभवत, दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल, क्रैक इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल, इस बात की सबसे अधिक संभावना थी, दैट की आई हैड रंग द रॉन्ग बेल, मैंने गलत घंटी बजा दी। सोच रही है कि जो डॉक्टर है वो सोच रही है कि हो सकता है इस बात की अधिक संभावना हो कि मैंने घंटी जो है गलत बजा दी हो। द वुमन लेट गो ऑफ द डोर, कह रहा है कि जो औरत थी, लेट गो गो ऑफ द डोर, वह दरवाजे से हट गई, एंड स्टेप टू द साइड, और एक साइड में क्या हो गई, स्टेप खड़ी हो गई, जो औरत थी वह दरवाजे से हट गई और एक किनारे खड़ी हो गई। She was wearing my mother's green knitted cardigan. कह रहा है कि she was wearing, वह पहने हुए थी, वियर मैंने पहनना होता है, my mother's, मेरी माँ का green, हरा knitted cardigan, knitted बुना हुआ cardigan, cardigan एक वस्त्र का प्रकार होता है, जैकेट cardigan ये सब तो एक प्रकार होता है, तो उसने देखा कि वह जो है मेरी माँ का हरा जो है green knitted, मतलब हरे रंग का बुना हुआ कार्डिगन पहने हुई थी। दी वुडन बटन्स, कराए कि जो उसके लकड़ी के बटन्स थे वह रेदर पेल, कराए कि वह पीले हो गए थे, पेल मीन्स पीला, फ्रॉम वॉशिंग, मतलब धुलने के कारण, मतलब बार बार वॉशिंग, मतलब उस कार्डिगन को बार बार धुले जाने के कारण जो है उसके बटन जो थे पीले हो गए थे। सीसा, उसने देखा कि आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन, उसे देखा कि मैं उस कार्डिगन को देख रही हूं, एंड हाफ हाइड हरसेल्फ, और उसने क्या किया कि हाफ आधा हाइड छिपा लिया हरसेल्फ स्वयं को, अगेन बिहाइंड द डोर, कह रहा है कि पुनः दरवाजे के पीछे, जब उसने देखा कि उस वो कार्डिगन को देख रही है तो उसने पुनः जो है दरवाजे के पीछे अपने आप को छिपा लिया, क्योंकि उसने स्वयं को सोचा कि ऐसा ना हो कि यह जो है इस कार्डिगन को पहचान जाए। बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट, करेगी बट आई न्यू नाउ, लेकिन अब मैं जान चुकी थी कि आई वॉज राइट, कि मैं सही थी, वो जान गई नहीं मैं सही थी, ये वही औरत है। वेल यू न्यू माई मदर, आई आस्क्ड, कह रहा कि हाँ तो यू न्यू माई मदर, आप मेरी माँ को जानती हैं, आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि आप मेरी माँ को जानती हैं, हैव यू कम बैक, सेड द वुमन, तो सौरत ने कहा कि हैव यू कम बैक, क्या तुम वापस आ गई हो, आई थॉट मैंने सोचा दैट की नो वन हैड कम बैक, कि कोई भी वापस नहीं आया, वो औरत करी है कि क्या तुम वापस आ गई हो, मैंने सोचा कि कोई भी वापस नहीं आया, ओनली मी, केवल मैं, तो उसने कहा कि केवल मैं ही वापस आई, ओनली मी मतलब केवल मैं ही वापस आई। अ डोर ओपेंड, कह रहा है कि एक दरवाजा खुलता है एंड क्लोजर बंद होता है इन द पैसेज बिहाइंडर, कह रहा है कि उसके बिहाइंडर उसके पीछे पैसेज गलियारे में, एक दरवाजा उसके पीछे गलियारे में ओपन होता है क्लोज होता है। अ मस्टी स्मेल इमर्ज्ड, कह रहा है कि अ मस्टी स्मेल मतलब एक सीलन भरी गंध जो है इमर्ज वहां से निकलती है, एक सीलन भरी गंध वहां से निकलती है, कोई दरवाजा जो है बहुत लंबे समय से बंद रहता है तो वहां से जब आप खोलेंगे तो उसमें से सीलन भरी गंध आपको आएगी। आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू, उसे कह रहा कि आई रिग्रेट, मुझे पश्चाताप है कि आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू, कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती, उसने मतलब मुझे पछतावा है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती, या ऐसे भी कर सकते हैं कि मुझे खेद है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती।
नेक्स्ट पैरा है कि आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन, मैं यहां स्पेशली ट्रेन से आया था। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर ए मोमेंट, वो करे कि आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन, मैं यहां विशेष रूप से ट्रेन से आई थी। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर मोमेंट, मैं फॉर ए मोमेंट का मतलब होता है एक क्षण के लिए, मैं एक क्षण के लिए आपसे बात करना चाहती हूं। इट इज नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ, सेड द वुमन। तो औरत ने क्या कहा, औरत ने कहा कि इट इज नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ, कन्वीनियंट का मतलब होता है सुविधाजनक। उसने कहा कि अभी ये मेरे लिए सुविधाजनक नहीं है, मतलब तुमसे बात करना अभी सुविधाजनक नहीं है। आई कॉन्ट सी यू, मैं तुमसे नहीं मिल सकती। एंड द टाइम, उसने कहा कि एंड द टाइम मतलब दूसरे समय आना। देखिए, जो डॉक्टर अपने दादी की वस्तुओं की खोज के लिए आए थे, उसने कहा कि मैं यहां विशेष रूप से गाड़ी से आई हूं, मैं आपसे क्षण भर के लिए बात करना चाहती हूं, मुझे अब सुविधा, तो उसने कहा कि मुझे ये सुविधा नहीं होगी, मतलब मुझे तुमसे बात करने में सुविधा नहीं होगी और मैं तुमसे नहीं मिल सकती, फिर कभी आना। उसके बाद कह रहा है सी नॉडेड, नॉडेड मीन होता है सिर हिलाना, नॉडेड मीन सिर हिलाना। कह रहा है सी नॉडेड, उसने सिर हिलाया। एंड कॉस्टली क्लोज द डोर, कह रहा है कि और कॉस्टली और सावधानी पूर्वक, कॉस्टली मीन सावधानी पूर्वक, क्लोज द डोर, दरवाजे को बंद कर दिया। एज दो, मानो कि नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब, मानो कि कह रहा है कि नो वन, कि कोई भी नो वन इनसाइड द हाउस, घर के अंदर कोई भी जो है शुड डिस्टर्ब ना हो। कहने मतलब है कि उसने सिर हिलाया और सावधानी पूर्वक दरवाजे को बंद कर दिया ताकि जो है घर में कोई और डिस्टर्ब न हो। यहां जो एज दो लिखा है इसका मतलब है मानो की। मैं एक बार फिर से बता दूं, कह रहा है कि सी नॉडेड, उसने सिर हिलाया एंड कॉस्टली, एंड कह रहा है कि और कॉशसली और सावधानी पूर्वक क्लोज द डोर, दरवाजे को बंद कर दिया। एज दो, मानो की नो वन इन साइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब, मानो कि घर में कोई और डिस्टर्ब न हो। उसके बाद है कि आई स्टूड वेर आई वॉज ऑन द स्टेप, कह रहा है कि मैं आई स्टूड, मैं खड़ी रही, वेर जहां आई वॉज ऑन द स्टेप, जहां मैं सीढ़ी पर खड़ी थी, मैं जहां सीढ़ी पर खड़ी थी मैं वहीं खड़ी रही। द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड, कह रहा है कि कर्टेन, कर्टेन में होता है पर्दा और इन फ्रंट ऑफ में होता है सामने, और द बे विंडो, विंडो में खिड़की होती है लेकिन यहां पर लिखा है बे विंडो, तो बे विंडो इसको कहते हैं, मतलब इस बे विंडो मतलब होता है खांचा खिड़की, मतलब ऐसी खिड़की जो दीवार से बाहर की तरफ निकली हो, ठीक है। बे विंडो मतलब ऐसी खिड़की जो दीवार से बाहर की तरफ निकली हो, इसको खांचा खिड़की बोलते हैं। तो वो कह रहा है कि दी कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो, कह रहा है कि खिड़की के सामने का पर्दा जो है मूव्ड, वो हिला। समवन स्टेयर्ड एट मी, कोई मुझे घूर रहा था, घूरा मतलब स्टे के साथ अगर घूरना होता है, कोई मुझे घूर रहा था या कोई मुझे देख रहा था, ऐसे भी कह सकते हैं। एंड वुड देन हैव ऑस्ट व्हाट आई वांटेड, इसमें कह रहा है कि समवन स्टेयर्ड मी, कोई मुझे घूर रहा था, एंड वुड देन, और तब जो है, देन हैव ऑस्ट, और तो वो मुझसे पूछ लिया होता कि व्हाट आई वांटेड, कि मुझे क्या चाहिए। ओ नथिंग, ओ कुछ भी नहीं, द वुमन वुड हैव सेड, औरत कहती ओ कुछ नहीं, इट वॉज नथिंग, करे कोई बात नहीं। उसने देखा कि जो सामने की खिड़की का जो पर्दा हटता है, कुछ घूर रहा था, तो वो सोच रही कि वो उसे पूछ लेना चाहिए था मुझे कि आपको क्या चाहिए, तो मैं कहती हूँ कुछ नहीं। मैं एक बार फिर बता दूं, कह रहे कि आई स्टूड, मैं खड़ी थी, वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, जहां पर मैं सीढ़ी पर खड़ी थी। द कर्टेन, कह रहा है पर्दा, इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो, कह रहा है कि खिड़की के सामने वाला पर्दा मूव्ड, कह रहा है कि वो हिला या वो हटा। समवन स्टेड एट मी, कोई मुझे घूर रहा था या कोई मुझे देख रहा था। एंड वुड देन हैव ऑस्ट, और तब वह पूछ लिया होता कि व्हाट आई वांटेड, कि मुझे क्या चाहिए, मतलब उसका कहना मतलब उसे पूछ लेना चाहिए था कि मुझे क्या चाहिए। ओ नथिंग, वो कुछ भी नहीं, दी वुमन वुड हैव सेड, औरत कहती वो कुछ नहीं। कह रहा इट वॉज नथिंग, करे कोई बात नहीं। नेक्स्ट है कह रहा कि आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन, कह रहा मैंने जो है पुनः उस नेम प्लेट को देखा। डॉर्लिंग इट सेड, इस पर लिखा था डॉर्लिंग, देखिए यहां पर इट सेड, सेडनोची कहना होता है, तो जो नेम प्लेट कह रहा था डॉर्लिंग, मतलब उस पर, उस नेम प्लेट पर डॉर्लिंग लिखा था। इन ब्लैक लेटर, काले अक्षरों में, ऑन व्हाइट इनेमल, कह रहा है कि सफेद पट्टी पर, यहाँ इनेमल मतलब पट्टी, कह रहा है कि काले, कह रहा है व्हाइट इनेमल, सफेद पट्टी पर, इन ब्लैक लेटर, काले अक्षरों में,
तेरे उस पर लिखा था, क्या लिखा था? डार्लिंग लिखा था। एंड ऑन द जैम, और उस दरवाजे के बाजू पर, कह रहा है कि उसके बाजू पर जो है, दरवाजे के बाजू पर अ बीट हायर, थोड़ा ऊपर, द नंबर, नंबर 46, कह रहा है कि नंबर 46 लिखा हुआ था। यहां जैम का मतलब दरवाजे का बाजू या पाखा होता है, जो साइड वाला होता है उसको जैम बोलते हैं। और उस दरवाजे के बाजू पर थोड़ा ऊपर क्या लिखा था? नंबर 46, उसके रूम का नंबर या घर का नंबर रहा होगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि एज ए वॉक स्लोली बैक टू द स्टेशन, कह रहा है कि जब मैं वॉक स्लोली धीरे धीरे जा रही थी, बैक टू द स्टेशन वापस स्टेशन की तरफ, हो आई थॉट, तो मैंने सोचा अबाउट माई मदर, अपनी माँ के बारे में। जब मैं वापस स्टेशन की तरफ जा रही थी तो मैंने अपनी माँ के बारे में सोचा। हु हैड गिवन मी द एड्रेस, जिसने मुझे ये एड्रेस दिया था इयर्स एगो, सालों पहले, जिसने मुझे सालों पहले यह एड्रेस दिया था। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर, वो करे कि जब उसने एड्रेस दिया था तो उसी बारे में करा कि इट हैड बीन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर, करा कि यह युद्ध का फर्स्ट हाफ, प्रथम अर्धकाल का समय था। जब युद्ध चल रहा था हॉलैंड की स्वतंत्रता के लिए, तो वह जो है युद्ध का प्रथम अर्धकाल था, मतलब युद्ध का आधा आधा समय खत्म हुआ था। आई वॉज होम फॉर ए फ्यू डेज, करे कि मैं कुछ दिनों के लिए घर आई थी। एंड इट स्टक मी इमिजिएटली, और मुझे ये तुरंत लगा, दैट की समथिंग और अदर, समथिंग अदर, अदर मतलब कुछ न कुछ, समथिंग आर अदर, समथिंग आर अदर मतलब कुछ न कुछ, कह रहे समथिंग आर अदर अबाउट द रूम हेड चिन, तो मुझे तुरंत लगा कि कमरे में कोई न कुछ, कुछ न कुछ चीज, कोई न कोई चीज जो है चेंज हो गई है, मतलब कुछ न कुछ बदल गया है। आई मिस टू वेरियस थिंग, मैंने जो है मिस, मैंने गायब, वेरियस मतलब होता है कई, विभिन्न विभिन्न या कई होता है। उसने कहा कि मैंने, आई मिस दी वायरस थिंग, मैंने कई चीजों को गायब पाया, उसने पाया कि नहीं घर में कई चीजें नहीं है। माय मदर वॉज सरप्राइज्ड, मेरी माँ आश्चर्यचकित थी कि आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली, कि मैंने इन सब चीजों को इतना जल्दी नोटिस कर लिया, मतलब तो इन सभी चीजों को इतना जल्दी नोट कर लिया, मेरी माँ इस बात पर उसे वह आश्चर्यचकित थी। नेक्स्ट है, देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसेस डार्लिंग, तब उन्होंने मुझे मिसेस डार्लिंग के बारे में बताया, अपनी माँ को कराया, तो उन्होंने मुझे मिसेस डार्लिंग के बारे में बताया। आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर, कह रहा कि आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर, मैंने कभी भी उनके बारे में नहीं सुना था। बट अपरेंटली, लेकिन स्पष्टतः, अपरेंट मतलब स्पष्टतः, लेकिन स्पष्टतः शी वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ माई मदर, कह रहा कि वह एक, मेरी माँ की एक क्या थी, एक ओल्ड एक्वेंटेंस, एक पुरानी परिचित थी। एक्वेंटेंस का मतलब, एक्वेंटेंस मतलब होता है परिचित, एक्वेंटेंस मीन्स परिचित होता है, कह रहा कि लेकिन वह जो है मेरी माँ की पुरानी परिचित थी। हुम, कह रहा कि जिससे सी हैड नॉट सीन फॉर इयर्स, कह रहा जिससे वह स्वयं, वह जो है खुद कई सालों से नहीं मिली थी, कह रहा जिससे वह स्वयं जो है कई वर्षों से नहीं मिली थी। सी हैड सडनली टर्नड अप, करा कि सेट्स, वह जो है अचानक टर्न, वह अचानक आ गई थी, वह अचानक आ गई थी। एंड रिन्यूड देयर कॉन्टेक्ट, और उन्होंने क्या किया कि अपने संबंध को क्या कर लिया, रिन्यूड, नया कर लिया, मतलब वह मेरी माँ की पुरानी परिचित थी, वह अचानक आ गई थी और उन्होंने अपने संबंध को क्या कर लिया, रिन्यू कर लिया, मतलब नया कर लिया। सिंस देन, तभी से सी हैड कम रेगुलरली, तभी से वह जो है नियमित मेरे घर आने लगी। करा कि एवरी टाइम, हर बार, सी लिव्स हियर, जब वह यहां से जाती, यहां लिव मैंने छोड़ना होता है, यहां कभी प्रस्थान के लिए भी लिव का प्रयोग लगता है, ठीक है। करा कि हर बार सी लिव्स हियर, वह यहां से जब जाती, सी टेक्स समथिंग होम विथ हर, तो वह अपने घर कुछ न कुछ ले जाती, मतलब उसकी माँ के घर से वह कुछ न कुछ ले जाती जब भी वहां से जाती, क्योंकि युद्ध का समय था, वह उसकी माँ जो है अपने सामानों को सुरक्षित स्थान में पहुंचाना चाहती थी। सेड माई मदर, मेरी माँ ने कहा, सी टुक को ऑल द टेबल सिल्वर इन वन एग, इसमें कह रहा कि सी टुक, वह ले गई ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो, कह रहा कि सभी सभी मेज के चांदी के बर्तन इन वन गो, एक ही बार में वो सभी मेज के चांदी के बर्तन एक ही बार में ले गई। एंड देन, और तब द एंटिक प्लेट्स, और तब जो है एंटिक प्लेट, प्राचीन शैली की प्लेटें जो है, प्लेटें भी ले गई, दैट हंग देयर, जो वहां पर टंगी हुई थी।
नेक्स्ट कह रहा है कि सी है ट्रबल लगिंग दोज लॉजेसेस, कह रहा है कि सी है ट्रबल, उन्हें उन्हें जो है परेशानी उठानी पड़ी, लगिंग दोज लॉर्ज वेसेस, कह रहा है कि उन बड़े बड़े वेसेस, उन बड़े बड़े गमलों को ले जाने में। एंड आई एम वरीड, और मैं चिंतित थी कि सी गॉट ए क्रिक, कि उनको उनको अकड़न आ गई होगी इन हर बैक, उनकी कमर में, कह रहा है मुझे इस बात चिंता थी कि उनकी कमर में अकड़न आ गई होगी फ्रॉम द क्रॉकरी, उस क्रॉकरी से, मतलब उन क्रॉकरी, उस क्रॉकरी से जो वह ले जा रही थी। उसके बाद है कि माई मदर सुखर हेड पिटिंगली, पिटिंगली मतलब सहानुभूति पूर्वक, ठीक है, और सेक मनी हिलाना होता है सेकंड फॉर्म में। माई मदर सुखर हेड पिटिंगली, मेरी माँ ने अपने सिर को सहानुभूति पूर्वक हिलाया। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड ऑस्कर, कहने कि आई वुड नेवर हैव डेयर्ड, डेयर में साहस करना, कह रहे कि मुझे उनसे कहने का साहस नहीं होता, मुझे उनसे कहने का कभी भी साहस नहीं होता। शी सजेस्टेड इट टू मी हरसेल्फ, उन्होंने मुझे यह बात स्वयं सुझाई। शी इवन इंसिस्टेड, उन्होंने आग्रह भी किया। शी वॉन्टेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स, कह रहा है कि वह जो है वह मेरे सभी सुंदर वस्तुओं को सेव करना चाहती थी, मतलब सुरक्षित रखना चाहती थी। नेक्स्ट है कह रहा है कि इफ वी हैव टू लीव हियर, यदि हमें यहां छोड़ना पड़ा, मतलब हमें यह स्थान छोड़ना पड़ा, तो वी से लॉस एवरीथिंग, तो हम सब कुछ खो देंगे, सी सेज, वह कहती थी। उन्हें युद्ध चल रहा था, उन्हें ऐसा लगा कि यदि जो है हमें यह स्थान छोड़ना पड़ा तो हम सब कुछ खो देंगे, इसलिए वह जो सारी चीजों को सुरक्षित रखना चाहती थी उस औरत को देकर के। नेक्स्ट है कि हैव यू एग्रीड विथ हर दैट सी शुड कीप एवरीथिंग आई आस्क्ड, कि आई आस्क, मैंने पूछा, क्या पूछा, कि हैव यू एग्रीड विथ हर, क्या आप उसके साथ सहमत हैं, क्या आप उससे सहमत हैं, दैट की सी शुड कीप एवरीथिंग, कि वह जो है हर चीज रखे। कहने का मतलब ये है कि मैंने पूछा कि क्या जो है आप उसकी बात से सहमत हो गई हैं कि वह हर चीज रख ले। कहने का तात्पर्य ये था कि आप सहमत हो कि नहीं, वह जो आपको चीज दे रही है आप उसको वह सुरक्षित रखेगी। उसके बाद है एज इफ दैट्स नेसेसरी माई मदर क्राइड, मेरी माँ ने क्राइड चीखते हुए कहा, एज इफ दैट्स नेसेसरी, उसने पूछा कि क्या यह पूछने की कोई जरूरत थी, वह गुस्सा हो जाती उसकी बात पर। करे मैं मतलब क्राइड, मेरी मान चिखते हुए कहा कि एज इट दैट्स नेसेसरी, क्या यह पूछने की कोई जरूरत थी। इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट, उसने कहा कि ऐसा पूछना तो उसका अपमान करना होता। उसकी मां कह रही है कि इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट, कह रहा कि यह जो है सिंपली एक इंसल्ट होता, एक अपमान होता, टू टॉक लाइक दैट, इस तरह बात करना, मतलब उस स्त्री से इस तरह पूछना जो है उसका अपमान करना होता। एंड थिंक अबाउट द रिस्क, करे कि एंड थिंक, और सोचो अबाउट उस खतरे के बारे में, सी इज रनिंग, जिस खतरे से वो गुजर रही है, जाकर मतलब है उस खतरे के बारे में भी तो सोचो जो वो खतरा उठा रही है। उसकी मां कह रही है, करे कि इस टाइम, हर बार सी गोस आउट ऑफ आवर डोर, करे कि हर बार वो हमारे दरवाजे से बाहर जाती है विथ ए फुल सूटकेस आर बैग, कह रहा है कि एक पूरे सूटकेस या बैग के साथ। नेक्स्ट कह रहा है कि माई मदर सिम टू नोटिस, नोटिस में होता है ध्यान देना, और सिम में होता है प्रतीत होना। कह रहा है कि माई मदर सिम टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट एंटायरली कन्विंस्ड, एंटायरली मतलब पूरी तरीके से, कन्विंस्ड मतलब अस्वस्थ या सहमत होना। कह रहा है कि मेरी माँ, ऐसे लगा कि जैसे मेरी माँ ने यह देख लिया था कि, या यह नोटिस किया था कि आई वॉज नॉट एंटायरली कन्विंस्ड, कि मैं जो है पूरी तरह से कन्विंस नहीं हूं, मतलब पूरी तरह से सहमत नहीं हूं, मतलब उससे जो है उस स्त्री पर भरोसा नहीं था। सी लुक्ड एट मी रिप्रोविंगली, रिप्रोविंगली मतलब होता है धिक्कारते हुए या गुस्से में। करे कि उन्होंने लुक्ड मेरी तरफ देखा, रिप्रोविंगली धिक्कारते हुए, उन्होंने मेरी तरफ गुस्से में देखा। एंड आफ्टर दैट, इसके बाद वी स्पोक नो मोर अबाउट इट, करे कि स्पोक ने बात करना बोलना, करा कि वी स्पोक नो मोर अबाउट इट, हमने इसके बारे में और कुछ बात नहीं किया, मतलब और कोई बात इसके बाद हम लोगों ने नहीं की इसके बारे में। उसके बाद है करा कि मीनवाइल, इसी बीच, मीनवाइल लगता है जो कोई कार्य हो रहा हो उसी के बीच में जो कोई कार्य हो तो उसके लिए मीनवाइल का प्रयोग होता है। द
करें। मीनवाइल इसी बीच आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन, मैं स्टेशन पे पहुंच गई विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन। पे अटेंशन मतलब होता है ध्यान देना, पे अटेंशन मतलब होता है ध्यान देना। करें कि मैं स्टेशन पे पहुंच गई विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन, बिना अधिक ध्यान दिए टू थिंग्स ऑन द वे, करें कि रास्ते की चीजों की तरफ। इसमें करें किसी बीच में स्टेशन पहुंच गई और रास्ते की चीजों पर मैंने कोई ध्यान नहीं दिया। आई वॉज वॉकिंग इन फेमिलियर प्लेसेस, करें कि आई वॉज वॉकिंग, मैं जा रही थी इन फेमिलियर प्लेसेस, अपने परिचित स्थानों से। अगेन पुनः मैं उसका कहने मतलब है कि मैं पुनः अपने परिचित स्थानों से होकर जा रही थी, उन स्थानों के बारे में वो जानती थी पहले। फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वार, कह रहा है कि पहली बार युद्ध के बाद के समय से, कह रहा है कि मैं युद्ध के बाद के समय से मैं पहली बार जो है अपने परिचित के स्थानों से होकर जा रही थी। बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो फर्दर देन वॉज नेसेसरी, कह रहे कि लेकिन आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो फर्दर, मैं फर्दर देन वॉज नेसेसरी में तो आवश्यक, ऐसा कहने मतलब है कि लेकिन मैं आवश्यकता से अधिक आगे जाना नहीं चाहती थी। यहां फर्दर का मतलब होता है आगे, ठीक है। आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो फर्दर, मैं आगे नहीं जाना चाहती थी, देन वॉज नेसेसरी आवश्यकता से अधिक या आवश्यकता के पीछे। आई डिड नॉट वॉन्ट टू अपसेट माई सेल्फ, करके मैं अपने को अपसेट नहीं करना चाहती थी, दुखी नहीं करना चाहती थी या परेशान नहीं करना चाहती थी विद द साइट ऑफ स्ट्रीट एंड हाउसेस, करे कि विद द साइड विद द दृश्य, करे कि गलियों और घरों के दृश्यों को देखकर, फुल ऑफ मेमोरीज, जो कि फुल ऑफ मेमोरीज फ्रॉम ए प्रीसियस टाइम, प्रीसियस मीन्स होता है मूल्यवान, जो कि मूल्यवान समय की यादों से भरे हुए थे। तो कहने मतलब है, फिर से बता दूं, कहे कि मैं जो है उन गलियों और घरों को देखकर अपने को दुखी नहीं करना चाहती थी जो मूल्यवान समय की यादों से भरे हुए थे। मैं एक बार में फिर से बता दूं, कहे कि आई डिड नॉट वांट टू अपसेट मायसेल्फ, मैं अपने आप को दुखी नहीं करना चाहती थी या अपसेट नहीं करना चाहती या परेशान नहीं करना चाहती थी विद द साइट ऑफ स्ट्रीट एंड हाउसेस, कहे कि गलियों और घरों को देखकर, फुल ऑफ मेमोरीज फ्रॉम प्रीसियस टाइम, जो कि प्रीसियस मूल्यवान समय की यादों से भरे हुए थे। नेक्स्ट ये कह रहा है कि इन द ट्रेन बैक आई सा मिसेस डॉर्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन, कह रहा है कि इन द ट्रेन, ट्रेन में बैक वापस जो है फिर से, क्या ट्रेन में फिर से आई सा, मैंने देखा मिसेस डॉर्लिंग को इन फ्रंट ऑफ मी अगेन, पुनः अपने सामने एक बार, कह रहे हैं ट्रेन में मैंने मिसेस डार्लिंग को पुनः अपने सामने एक बार देखा। एज आई हैड द फर्स्ट टाइम, जैसा मैंने उन्हें पहली बार देखा था, आई मेट हर, जब मैं उनसे मिली थी। इट वॉज द मॉर्निंग, यह सुबह का समय था, आफ्टर द डे, उस दिन के बाद, यह उस दिन के बाद सुबह का समय था, माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर, जब मेरी माँ ने उनके बारे में बताया था, वो कह रही है कि जब मेरी माँ ने उनके बारे में बताया था तो यह उस दिन के बाद की सुबह का समय था। आई हैड गॉट अप लेट, मैं लेट उठी थी, देर से उठी थी, एंड कमिंग डाउन स्टेयर्स, और सीढ़ियों से नीचे आते समय आई सा माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट, तो कह रहा है सीढ़ियों नीचे आते समय आई सा, मैंने देखा कि माई मदर, मेरी माँ जो है अबाउट टू सी समवन आउट, किसी को छोड़ने जा रही हैं या विदा करने जा रही हैं, किसी को छोड़ने जा रही हैं या किसी को अलविदा कहने जा रही हैं। ओमैन विथ ए ब्रॉड बैक, एक औरत जिसकी कमर चौड़ी थी, या एक चौड़ी कमर वाली औरत। नेक्स्ट पर है कि आई हैड रिमेम्बर्ड इट, मैंने इसे याद रखा था, मतलब मैंने यह नंबर याद कर लिया था। बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर, कह रहा है कि बट आई हैड वेटेड, लेकिन मैंने इंतजार किया था अ लॉन्ग टाइम, एक लंबा समय, टू गो देयर, वहां जाने का, लेकिन मैंने वहां जाने का एक लंबा समय इंतजार किया था। इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन, कह रहा है कि इनिशियली प्रारंभिक दिनों में या शुरुआत में, आफ्टर द लिबरेशन, आजादी के बाद प्रारंभिक समय या शुरुआती दिनों में, आई वॉज एब्सोल्यूटली नॉट इंटरेस्टेड, मैं जो है पूरी तरीके से मैं इंटरेस्टेड नहीं था या मेरी रुचि नहीं थी इन ऑल, उन सभी चीजों में दैट स्टोर्ड स्टफ, स्टोर्ड मतलब संग्रहित चीजों में, इसमें कह रहा है
फिर बता दूं, कराए कि इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन, कराए लिबरेशन में स्वतंत्रता, स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रारंभिक समय में या शुरुआत में आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड, मेरी पूरी तरह से रुचि नहीं थी किसमें, इन ऑल उन सभी चीजों में, दैट स्टोर्ड स्टफ जो संग्रहित की गई थी या संग्रहित की गई चीजों में, तो वे चीजें जो उसकी माँ ने जो है मिसेज डॉलिंग को दिया था। एंड नेचुरली और स्वभावतः आई वॉज ऑल्सो रैदर अफ्रेड ऑफ इट, अफ्रेड मीन्स होता है भयभीत होना, डरना, करें कि और स्वभावतः जो है मैं इससे डरती भी थी, अफ्रेड मैं डरती थी ऑफ बींग कॉन्फ्रेंटेड, कॉन्फ्रेंट मीन्स होता है सामना होना, करें कि अफ्रेड ऑफ बींग कॉन्फ्रेंटेड विथ थिंग्स, मैं उन चीजों का सामना करने से डरती थी दैट हैड बिलोंग टू ए कनेक्शन, जिनका कनेक्शन था या जिनका संबंध था उन चीजों से, दैट नो लॉन्गर एग्जिस्टेड, जो अब एग्जिस्ट नहीं करती या जिनका अस्तित्व नहीं है या जो अब जीवित नहीं है। उसका कहने मतलब ये है, फिर से बता दूं, तरह की अफ्रेड ऑफ बीइंग कंफर्टेड विद थिंग्स, मैं इन चीजों का सामना करने से डरती थी दैट हैड बिलोंग टू ए कनेक्शन, जिसका संबंध रहा है, दैट नो लॉन्गर एग्जिस्टेड, किससे, नो लॉन्गर एग्जिस्टेड, उस व्यक्ति से जो अब अस्तित्व में नहीं है या जो अब जीवित नहीं है। उसके बाद कह रहे हैं विच वर हिडन, कह रहा है कि जिन चीजों को वर हिडन छिपा दिया गया था, हिडन अवे इन कपबोर्ड अलमारियों में एंड बॉक्सेस और बक्सों में, एंड वेटिंग इन वेन, और ये वस्तुएं जो थी वेटिंग इन वेन, वेन माने होता है इन वेन का मतलब व्यर्थ में, और वेट माने इंतजार करना, कह रहा है कि और ये वस्तुएं जो है वेटिंग इन वेन व्यर्थ में ही इंतजार कर रही थी अंटिल दे वर पुट बैक इन देयर प्लेस अगेन, कि उन्हें जो है पुनः उनके स्थानों पर वापस रख दिया जाएगा। Which had endured all those years, endure means होता है टिके रहना, endure means टिकना, कह रहा है कि which जो चीजें had endured all those years, इन सारे वर्षों से टिकी रही या जीवित रही, because क्योंकि they were things, क्योंकि वे वस्तुएं थी। But gradually, लेकिन धीरे धीरे everything became more normal again, लेकिन धीरे धीरे सभी चीज जो है और अधिक normal हो गई, और अधिक सामान्य हो गई। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी अ लाइटर कलर, कह रहा है कि रोटी हमें जो है गेटिंग टू बी लाइटर कलर, हल्के कलर में मिलने लगी। देर वॉज अ बेड, कह रहा है कि एक बिस्तरा था, यू कुड स्लीप, कह रहा है जहां पर आप सो सकते थे, इन अनथ्रेटेंड मतलब बिना डरे, एक बिस्तरा था जिस पर आप बिना डरे सो सकते थे। अ रूम, एक कमरा था विथ व्यू, इस दृष्टिकोण से कि यू आर मोर यूज टू ग्लेंसिंग, जिससे आप जो है ग्लेंसमेंट देखना, जिसे आप जो है देखने के आदि हो गए हों, एट ईच डे प्रतिदिन, एक कमरा था जिसे आप प्रतिदिन देखने के आदि हो गए हों। एंड वन डे, और एक दिन आई नोटिस्ड, मैंने ध्यान दिया, आई वॉज क्यूरियस, कि मैं उत्सुक था, सॉरी एंड वन डे, और एक दिन आई नोटिस, मैंने ध्यान दिया कि आई वॉज क्यूरियस, कि मैं उत्सुक हो गया, अबाउट ऑल द पोजेशंस, किसके बारे में, करें अबाउट ऑल द पोजेशंस, उन सभी चीजों के बारे में, पोजेशन मतलब चीजें वस्तुएं, उन सभी वस्तुओं के बारे में या उन सभी संपत्तियों के बारे में, दैट मस्ट स्टील, जो आज भी बी, जो आज भी थी कहां, एट दैट एड्रेस, उस एड्रेस पर, कहते करे कि मैं एक दिन जो है उत्सुक हो गई उन सारी चीजों के बारे में जो आज भी उस एड्रेस पर थी, जो एड्रेस मेरी मां ने मुझे दिया था। आई वॉन्टेड टू सी देम, मैं उन्हें देखना चाहती थी, टच छूना चाहती थी, रिमेम्बर और याद करना चाहती थी। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो इस वीडियो में, इस फर्स्ट पार्ट में हम लोग आज यहीं तक पढ़ेंगे, रिमेम्बर तक, और इसका सेकंड पार्ट ही मैं जो है जो इसका शेष भाग है उसको सेकंड पार्ट में अपलोड कर दूंगा और उसका एंड स्क्रीन में लगा दूंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए फ्रेंड्स, और अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। थैंक यू।